हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः दोस्तों लेकर आए हैं DSSB PGT बायोलॉजी का सॉल्व पेपर। तो दोस्तों देखिएगा इस सॉल्व पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, और दोस्तों मैं आपको ये सॉल्व करा रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन में आपको कुछ रॉन्ग लगे वो दोस्तों, या आंसर रॉन्ग लगे वो कमेंट्स बॉक्स में मुझे तुरंत बताइएगा। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ। तो 101 यानी 101 जो क्वेश्चंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की जो डिसेंडिंग है वो कौन सी है, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन है सी। ये सी है, इसमें क्या है, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब और जीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम हम लोगों के पास कम है। फिर है डाई नेट्रोलिकेंस द फेब्लेजन एमिलिन इज द रिटन बाय, ये किसने लिखा था, एंगलर और पेंटल ने दोस्तों इसको लिखा था, और ये इसका जो पहला संस्करण आया था वो 1887 से 1915 में आया था, और दूसरा संस्करण 1924 में आया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जो तीसरा है, डिफरेंशियल स्टेनिंग ऑफ द बैक्टीरिया ऑन द ग्राम स्टैंडिंग इज ड्यू टू द, तो इसका जो ऑप्शन दोस्तों सही होगा वो कौन सा होगा, ए नंबर सही होगा, यानी डिफरेंस इन द सेल वॉल लेयर्स कंपोनेंट्स ऑफ द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चंस है वो दोस्तों कौन सा है, 104, रूमिनेट इंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन द विच फैमिली। रूमिनेट इंडोस्पर्म दोस्तों किस में पाया जाता है, तो दोस्तों पाया जाता है एनोनियेसी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है दोस्तों, एनोनियेसी में पाया जाता है, और इसमें क्या होता है, ये इसमें आते हैं खजूर, सुपारी, नारियल में जो पाया जाता है वो इस तरह का एंडोस्पर्म पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नोन एज द फिलामेंटस बैक्टीरिया, इनमें फिलामेंटस बैक्टीरिया कौन है, तो इसमें दोस्तों जब फिलामेंटस बैक्टीरिया की बात करते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज के जो सदस्य हैं वो सारे फिलामेंटस होते हैं। नेक्स्ट है, कॉर्क स्क्रू शेप्ड फ्रॉम ऑफ द बैक्टीरिया, अर्थात जो स्क्रू के आकार का होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, तो वो होता है स्पाइरोकीट्स। कौन से होते हैं, स्पाइरोकीट्स होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सी नंबर है, स्पाइरोकीट्स बोलते हैं, स्पाइरो हिंदी में चिट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है, आउटसाइड ऑफ द लिविंग सेल द वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड, आउट ऑफ जब सेल्स के बाहर होता है तो वायरस किस नाम से जाना जाता है, तो वायरॉन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो कहता है इलेटोरियम ए डेंजरस ड्रग इज ऑब्टेंड फ्रॉम, इलेटोरियम जो डेंजरस ड्रग होता है ये किससे ऑब्टेंड किया जाता है, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये जो ड्रग ऑब्टेंड किया जाता है ये एक बैलियम से किया जाता है। किससे किया जाता है, एक बैलियम से किया जाता है, और जो ये एक बैलियम है, कुकरबिटेसी का एक पौधा है, और ये इसका क्या नाम है, स्क्रेटिंग कुकुम्बर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्क्रेटिंग कुकुम्बर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन टेलीग्राफ प्लांट, तो जो इसका ऑप्शन सही होगा वो सी सही होगा, डेस्मोडियम गार्डनेस, ये है दोस्तों डेस्मोडियम गार्डनेस, इस जगह से भी ये डेस्मोडियम जो है ये जीनस है और गार्डनेस स्पीसीज है। नेक्स्ट है, एड्स वायरस कंटेन, तो दोस्तों क्या कंटेंस रखता है, ओनली इसमें एड्स वायरस में क्या होता है, जो एड्स वायरस की बात करते हैं तो इसमें से क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन होता है एड्स वायरस में। नेक्स्ट है, गिंगो पाइलोवा इज नॉट नोन एंड द इंडेंजर्ड स्पीसीज बिकॉज ऑफ इट्स, तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही होगा उसमें से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है, तो XC2 कंजर्वेशन की वजह से ये डेंजरस की कंडीशन में नहीं है। नेक्स्ट है, क्रायोप्रिजर्वेशन इज यूजफुल फॉर, क्रायोप्रिजर्वेशन किसके लिए यूजफुल है, तो हम आपको बता दें ये किसके लिए है, लिविंग सेल्स के लिए क्या है? सबसे ज़्यादा यूजफुल है, और दोस्तों क्रायोप्रिजर्वेशन में क्या करते हैं लोग, अपने प्लेसेंटा और अपने बच्चों के प्लेसेंटा आदि को प्रिजर्व करवा रहे हैं क्रायोप्रिजर्वेशन से। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ फाइकोलॉजी, तो फादर ऑफ फाइकोलॉजी किसे बोलते हैं, फ्रिट्ज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रिट्ज को बोलते हैं, ये है फादर ऑफ फाइकोलॉजी या
इनको एल्गी का पिता बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इपिकेक विच इज द एक्सीलेंट ड्रग फॉर द अमीबिक डिसेंट्री इज ऑप्टेंड फ्रॉम, यानी इपिकेक जो ड्रग्स लिया जाता है जो अमीबिक डिसेंट्री के लिए होता है, ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों किससे प्राप्त किया जाता है? रूट्स ऑफ सेल्फेलिस से प्राप्त किया जाता है, यानी सेफेलिस की जड़ से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हम आपको ये भी बता दें कि ये किससे होता है, सिफेलिस की सूखी राइजोम और जड़ से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, ऑन द टॉप ऑफ द ओवरी ए द नेक्टर डिस्क द स्टाइलोपोडियम इज प्रेजेंट इन द फैमिली, तो ये दोस्तों किस में पाया जाता है? तो ये दोस्तों पाया जाता है किस में? ये पाया जाता है एपीएससी में। किस में पाया जाता है? एपीएससी में, ध्यान रखिएगा। एपीएससी का दूसरा नाम क्या है? अम्बली फेरी, अर्थात ये अम्बली फेरी में हमें देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, इसमें गाजर, धनिया, जीरा आदि आता है। नेक्स्ट है, द फ्लेवरिंग एजेंट वनीला बिलोंग टू द फैमिली, जो फ्लेवरिंग एजेंट होता है वनीला, जो आप वनीला बोलते हैं ना, वनीला कि वो आप चॉकलेट दे दीजिए या वनीला स्वाद की आप विभिन्न प्रकार के मांगते हैं जैसे केक है, तो वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो ऑर्किडेसी फैमिली से प्राप्त किया जाता है। द फीदरी स्टिग्मा आर सीन इन, फीदरी जो स्टिग्मा होता है वो किसमें हमें दिखाई देता है? तो किसमें दिखाई देता है? ग्रैमनी में दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा, ग्रैमनी में दिखाई देता है, यानी गेहूँ की फैमिली में। नेक्स्ट है, स्टैमेन आर द मेल ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावर वॉज फर्स्ट स्टेटेड बाय, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका होगा ग्रीव, क्या होगा? सी नंबर, ग्रीव होगा। नेक्स्ट है, इन विच टाइप ऑफ द ओव्यूल द न्यूसिलर टिश्यू रिमेन सिंगल लेयर्ड, जिसमें सिंगल लेयर्ड होता है उसको हम दोस्तों किसके नाम से जानते हैं? तो उसको जानते हैं किसके नाम से? टेन्यूलिनेट के नाम से जानते हैं। ये वाला हमारा सही होगा, सी नंबर, टेन्यूयूनिसिलेट के नाम से जानते हैं, टेन्यूयूनिसिलेट ओव्यूल्स के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या होता है? सिंगल लेयर्ड होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स दैट डिफरेंशिएट सीलिया फ्रॉम फ्लैजिला, इसमें क्या होता है? सीलिया और फ्लैजिला को कौन सा संरचना होती है जो डिफरेंशिएट करती है? तो इसमें से कौन से हैं? डी, ऑल ऑफ द एवब, ऑल ऑफ द एवब। नेक्स्ट है, यूकैरियोटिक फ्लैजिला इज ड्राइवन बाय, तो यूकैरियोटिक फ्लैजिला इज ड्राइवन बाय, तो किससे ड्राइवन करते हैं? तो ये है एटीपी से, किसकी वजह से करते हैं? एटीपी से करते हैं। नेक्स्ट है, बायोल्यूमिनेसेंस इज ए फिनोमिना एसोसिएटेड विथ, तो ये दोस्तों इसमें क्या आएगा? पायरोफाइटा, इसमें क्या आएगा? पायरोफाइटा आएगा। नेक्स्ट है, ये ध्यान रखने का, पायरोफाइटा इन्हें डायनोफाइटा भी बोलते हैं, इन्हें डायनोफ्लैजिलेट्स भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गल डिविजन्स इज करेक्टराइज बाय द पोजेशंस ऑफ द क्लोरोफिल्स ए एंड बी स्टार्च एज द एनर्जी स्टोरेज मटेरियल सेल्यूलोजिक सेल वॉल्स एंड द लिव इन फ्रेश वाटर एंड द मरीन हैबिटेट्स, तो इसमें दोस्तों कौन सा आएगा? इसमें आएगा बी नंबर, क्राइसोफाइटा, क्या आएगा? क्राइसोफाइटा। नेक्स्ट है, विच एल्गी डिवीजन इज डिवाइडेड अब इंटू थ्री मेन ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ द गोल्डन ब्राउन एल्गी द येलो ग्रीन एल्गी एंड द डायटम्स, तो दोस्तों इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें उसने क्या बोला हुआ है? तो इसमें बोला हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मुझे लगता है एक क्वेश्चन मैंने आपको फिर से देख लीजिएगा,
इसमें से जो मैंने विच द फॉलोइंग द डिवीजन करेक्टराइज बाय द पोजिशन ऑफ द क्लोरोफिल ए एंड बी स्टार्च द एनर्जी स्टोरेज मटेरियल सेलुलोज सेलवाल लिव इन द फ्रेश वाटर एंड द मरीन वाटर हैबिटाट्स। तो दोस्तों अगर इसकी बात करेंगे कि इनमें से कौन सा है, तो इनमें दोस्तों क्लोरोफाइटा आएगा, ध्यान रखना। क्रैसोफाइटा हमने आपको बताया था, इसमें आएगा क्लोरोफाइटा, ध्यान रखिएगा। पुनः आपसे बोलेंगे क्लोरोफाइटा आएगा, ये वाला ऑप्शन गलत रहेगा। नेक्स्ट है, यानी इसका ए सही होगा। इसका कौन सा दोस्तों सही होगा? ए सही होगा। इसका ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट है जो अभी हम आपको बता रहे थे, द विच ऑफ द एल्गल डिवीजन एल्गल डिवीजन इज डिवाइडेड अप टू द थ्री मेन ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ द गोल्डन ब्राउन एल्गी, द येलो ग्रीन एल्गी एंड द डायटम्स। तो इसमें दोस्तों कौन सा सही होगा? क्राइसोफाइटा इसका सही होगा। नेक्स्ट है, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द सेक्स इन द एल्गी इज बेस्ट सीन इन। तो दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी में कौन आते हैं? क्लोरोफाइसी आती है, क्लोरोफाइसी सही होगी। जायगोटिक म्यूसिस इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ। तो इसमें दोस्तों कौन सा सही होगा? इसमें होगा एल्गी। नेक्स्ट है, सार्गासम सी नेम्ड आफ्टर द एल्गी सार्गासम विच इज। तो ये दोस्तों क्या है? सार्गासम कौन सा एल्गी है? तो दोस्तों कौन सा है? ब्राउन एल्गी है। कौन एल्गी है? ब्राउन एल्गी है सार्गासम। नेक्स्ट है, हाउ मैनी एंटीपोडल सेल्स आर देयर इन ऑर्निथेरा टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक ऑर्निथेरा टाइप का जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें कितने जो एंटीपोडल सेल्स होते हैं वो कितने होते हैं? तो दोस्तों जीरो होते हैं। कितने होते हैं? जीरो होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें टोटल जो न्यूक्लियस होते हैं वो फोर न्यूक्लियस होते हैं। नेक्स्ट है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड एट। तो दोस्तों कहाँ है? तो ये दोस्तों है लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में, जिसे CDRI के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, इन सम पैरासिटिक फंजाई इज द ग्लोब्यूलर और हुक लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द होस्ट, दिस इज नोन एज। तो दोस्तों इसको हम किसके नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं एप्रिसोरियम के नाम से। जब यूरेटोस्पोर दोस्तों एंट्री करता है किसमें? आपके गेहूं के प्लांट्स में करता है, तो उस समय स्टोमेटा के अंदर जब प्रवेश करता है उससे पहले थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाती है, इसे एप्रिसोरियम बोलते हैं। परफेक्ट स्टेज ऑफ द फंगस मीन्स। तो दोस्तों इसमें जब हम परफेक्ट स्टेज की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन सही होगा सी। कौन सही होगा? When the form perfectly sexual spores. Next है, enzyme code of the glucose 6-phosphate enzyme code of glucose 6-phosphotransferases is। तो दोस्तों इसका जो कोड होगा वो होगा A 2712। फिर नेक्स्ट है, assume that molecules of the and enzymes are taken into the test tube containing water. All the substrate molecules are the converted into the products in 5 minutes. Considering this data, calculate the ton of the enzyme. तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? आंसर आएगा 300। इसको दोस्तों लगाएंगे कैसे? तो हम आपको इसको आपको बता देते हैं। इसका फार्मूला होता है टॉन बराबर, ध्यान रखिएगा। एक तो ये बहुत मोटा है, रुको ही दोस्तों मैं बताता हूँ। तो एक फार्मूला होता है टॉन बराबर TON, टॉन बराबर फार्मूला होता है, नोट कर लीजिएगा। टॉन बराबर फार्मूला होता है प्रति इकाई समय में बने उत्पाद के मोल, प्रति इकाई समय में अर्थात आप लिख लीजिएगा प्रति इकाई समय बने उत्पाद के मोल बटे एंजाइम के मोल। तो दोस्तों इसमें हमें समय कितना दिया हुआ है? जो हमें टी बराबर दिया हुआ है वो 5 मिनट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है?
पाँच मिनट दिया हुआ है, और जो एंजाइम के मोल दिए हुए हैं, एंजाइम के मोल भी कितने दिए हुए हैं, हमें दिए हैं फोर, कितने दिए हैं फोर, और उत्पाद के मोल कितने दिए हैं यानी प्रोडक्शन मोल कितने दिए हैं, तो वो दिए हैं 60,000, ये इतने दिए हैं। हम अपना फार्मूला निकालते हैं, इकाई समय पहले निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, इकाई समय यानी यूनिट टाइम निकाल लेते हैं। तो यूनिट टाइम बराबर दोस्तों क्या होगा, तो यूनिट टाइम बराबर होगा यानी ये जो 60,000 है, ये 60,000 है हमारे, बटे कर देंगे कितने, चार, सॉरी पांच, जो टाइम दिया हुआ है, तो इसका आंसर आएगा 12,000, कितना आएगा 12,000, पांच का अगर भाग देंगे तो इसमें आएगा 12,000, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, टन वाले फार्मूला में रखेंगे, टी ओ एन के फार्मूले में रखेंगे, तो ये कितना आएगा 12,000 बराबर है, ये 12,000 बटे चार, तो इसका जब हम दोस्तों करेंगे, चार एकम चार, चार तीन बारह, तो आंसर कितना है 3,000 आया। अब समझ गए होंगे, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, द प्लांट हार्मोन यूज्ड एज एंटी ट्रांसपेरेंट इज, तो इसमें कौन सा है, ए बी ए, कौन सा है, ए बी, एब्सिसिक एसिड होता है, ये एंटी ट्रांसपेरेंट हार्मोन्स होता है। नेक्स्ट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेम एपेक्स इनटू द कार्पस एंड ट्यूनिका इज द डिटरमाइंड मेनली बाय द, तो ये किससे डिटरमाइंड होते हैं, तो नंबर ए प्लांट्स, इसमें क्या आएगा दोस्तों, प्लेन्स ऑफ द सेल डिवीजन, कहता है प्लेन्स ऑफ द सेल डिवीजन। नेक्स्ट, एक्सेंथेमा इन द सीट्रस इज डी टू, नींबू वंश में स्फोटक किस कारण होता है, तो दोस्तों किससे होता है, डिफिशियंसी ऑफ एल्युमिनियम, किससे होता है, डिफिशियंसी ऑफ एल्युमिनियम, यानी इसका डी सही है। नेक्स्ट है, द पहला ब्लाइट, द पहला ब्लाइट सुगर केन इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, यानी गन्ने में पाई जाने वाली पहला चित्ती किसके प्रभाव से होता है, तो दो दो किसके होता है, मैग्नीज से, मैग्नीज दिया है कहीं, ये दिया है दोस्तों बी, इसका बी सही होगा। नेक्स्ट है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स कास्ट बाय एल्विगो कैंडिडा बिलोंग इन क्लास, तो इसमें कौन सा होता है दोस्तों, ओमाइसिटीज होता है, क्या होता है, ओमाइसिटीज। द क्लिविस पॉलीएम्ब्रोनी इज फाउंड इन, दोस्तों क्लिविस पॉलीएम्ब्रोनी किस में पाई जाती है, तो दोस्तों ये पाई जाती है हमारे पाइनस में, किस में पाई जाती है, पाइनस में। नेक्स्ट है, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, तो किसने प्रपोज की थी, सिग्मिट ने प्रपोज की थी, किसने, सिग्मिट ने। नेक्स्ट है, सिग्मिट ने प्रपोज की थी। नेक्स्ट है, म्यूसिलेजनस कैनाल इन साइकस आर फाउंड इन, तो दोस्तों ये किस में पाई जाती है, कॉर्टेक्स और पिथ दोनों में पाई जाती है। इन द फ्रूट्स आर नॉट फॉर्म इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज, इसमें क्या होता है, ओवरी नहीं होती है, दे हैव नो ओवरी, इसलिए इसमें फ्रूट नहीं बनते हैं। नेक्स्ट है, स्टोमेटा आर द अब्सेंट इन, तो जो स्टोमेटा किसमें नहीं पाए जाते हैं, तो सर्व मर्ज्ड, जो सब मर्ज्ड प्लांट होते हैं, पानी में पूरे डूबे रहते हैं, उसमें स्टोमेटा पाए जाने की संभावना नगण्य होती है, लगभग ना के बराबर होती है। नेक्स्ट है, तो दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहाँ गया दोस्तों, इन रीचमेंट ऑफ द वाटर बॉडीज थ्रू ह्यूमन एक्टिविटी, तो ये क्या होता है, यूट्रिफिकेशन, इसमें दिया हुआ यूट्रिफिकेशन। नेक्स्ट है, प्लांट ग्रोइंग इन द स्नो आर नोन एज, तो दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, जो स्नो पर उगते हैं, तो इनको बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं बताएंगे, तो दोस्तों इसको बोलते हैं क्रायोफाइट्स, क्या बोलते हैं, क्रायोफाइट्स, बी क्रायोफाइट्स बोलते हैं,
और जो क्रिप्टोफाइट्स होते हैं वो प्रतिकूल वातावरण में जल के अंदर उगते हैं, और जो थ्रियोफाइट होता है दोस्तों ऐसे पौधे जो मरुस्थली भूमि पर उगते हैं, और ऑक्सिलो जो फाइट होता है ये अम्लीय मृदा पर उगते हैं। फिर है नेक्स्ट है कार्पोगोनिया फिलामेंट ऑफ द पाइलोस ऑफ पॉलीसाइफोनिया कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग नंबर ऑफ द सेल, तो इसमें कितने होते हैं 4 से 5, यानी इसका ऑप्शन बी सही है 4 से 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विथ साइनोफाइसी, तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, इसका आंसर होगा बी नंबर, क्या होगा बी, सिंपल प्रोटोप्लास्ट विथ प्लास्टिड्स। नेक्स्ट है फाइटोक्रोम इज इन्वॉल्व्ड इन, तो फाइटोक्रोम किस में इन्वॉल्व्ड होता है, तो इसका ऑप्शन सही है बी। नेक्स्ट है जो भी हमने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइटोक्रोम इज इन्वॉल्व्ड इन, तो इसका जो है वो है फोटो रेस्पिरेशन, सॉरी फोटो रेस्पिरेशन नहीं फोटोसिंथेसिस, ये ऑप्शन हमारा सही है, कौन सा ये फोटोसिंथेसिस, ये हमारा गलत है। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ इकोलॉजी दैट डील्स विद द बायोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन एंड द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और एन इंडिविजुअल स्पीसीज आर इट्स एनवायरनमेंट, तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, तो इसका ऑटोकोलॉजी होगा। कैंसर आर ए पार्ट ऑफ एवरी कल्चर एंड हैव बीन द अराउंड एज लॉन्ग एज पीपल द स्टडी कैंसर इज नोन एज द ऑनकोलॉजी, साइंस की वह शाखा जिसमें कैंसर का अध्ययन करते हैं उसको ऑनकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कॉज ऑफ द बेबी बूम इन द लास्ट सेंचुरी, बेबी जो बूम है बेबी बूम क्या था, तो दोस्तों हम आपको जल्दी से बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद बच्चों की संख्या में अमेरिका में बच्चों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई थी, इसे बेबी बूम के नाम से जाना जाता है, इस अवधि में पैदा हुए बच्चों को बेबी बूमर्स भी कहते हैं, तो एंडिंग ऑफ द वार। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल्स इज नॉट कंपोनेंट ऑफ द 30 ईयर्स इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, तो ये दोस्तों इसका कौन सा आंसर सही होगा, तो इसका आंसर सही होगा ATP यानी डी नंबर। नेक्स्ट है द किंग ऑफ द इंडियन स्पाइसेस, तो इंडियन स्पाइसेस का जो किंग बोला जाता है वो किसे बोलते हैं, भारतीय मसालों का राजा, तो पाइपर नाइग्रम है, क्या है पाइपर नाइग्रम। नेक्स्ट है और क्वीन किसे दोस्तों बोलते हैं, तो कोरिएंडर को बोलते हैं, ध्यान रखना क्वीन कोरिएंडर को और इसको पाइपर नाइग्रम को राजा बोलते हैं। नेक्स्ट है सिलेजनेला डिफर्स फ्रॉम द फ्यूनेरिया इन हैविंग, तो दोस्तों ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से सिलेजनेला और फ्यूनेरिया में एक दूसरे से अंतर है, तो ये जो अंतर मुख्य रूप से देखने को मिलता है वो है नंबर बी, वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम की वजह से, यानी सिलेजनेला में वैस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, फ्यूनेरिया क्या है ब्रायोफाइट है और सिलेजनेला क्या है टेडोफाइट्स है। प्रोटोनिमा आकर इन द लाइफ साइकिल इन, तो प्रोटोनिमा किसकी लाइफ साइकिल में आकर रहता है या उपस्थित रहता है, तो ये दोस्तों है फ्यूनेरिया की, किसमें उपस्थित रहता है फ्यूनेरिया में। फॉर्मेशन ऑफ द गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोरोफाइट टिश्यू विदाउट द स्पोर इज, अगर बिना स्पोर के अगर स्पोरोफाइट डेवलप होता है तो उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एपोस्पोरी। नेक्स्ट है फर्न गैमेटोफाइट इज, तो फर्न का जो गैमेटोफाइट्स होता है वो कैसा होता है, वो होता है मल्टीसेलुलर कॉर्डेट प्रोथाइलस होता है, मल्टीसेलुलर और कॉर्डेट प्रोथाइलस होता है। नेक्स्ट है द इंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटेनिंग DNA रेप्लिकेशन इन द प्रोकैरियोट्स वंस इट इज द इनिशिएटेड इज, तो दोस्तों इसमें क्या होता है DNA पॉलीमरेज, क्या होता है DNA पॉलीमरेज थर्ड। नेक्स्ट है पिरामिडिन्स
pyrimidine synthesis eukaryote can use the uracil to the feedback inhibit which of the following enzymes? तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, इसका आंसर होगा ए कार्बा, जो इसका आंसर है वो क्या है, कार्बामाइल फास्फेट सिंथेसिस। नेक्स्ट है साइटोजेनेटिक मैपिंग, साइटोजेनेटिक जो मैपिंग होती है वो किससे संबंधित है, तो ये है ये रिक्वायर दैट द, इसमें दोस्तों क्या होगा, रिक्वायर दैट द जीन हैव बीन क्लोन्ड इफ इन सी टू हाइब्रिडाइजेशन इज टू बी यूज्ड, ये हमारा होगा ये। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग क्वेश्चंस कुड बी इजली आंसर्ड बाय फिश, तो फिश के द्वारा हम इजली किसका आंसर दे सकते हैं, तो इसका आंसर है बी नंबर। इन द पर्टिकुलर फैमिली अफेक्टेड विद द बेकर मसल्स डिस्ट्रॉफी इज द म्यूटेशन ड्यू टू द डिलेशन ऑफ द एंटायर जीन्स, एंटायर जीन्स क्या होता है इसमें, मतलब क्या मछलियों में बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से प्रभावित होती हैं, और ये क्या होता है जीन के विलोप के कारण उत्पन्न होता है, ध्यान रखिएगा। ये पैराग्राफ आप पढ़िएगा, इसके आंसर हम आपको दे देंगे, चूँकि हमारे पास इतना दोस्तों वो नहीं है, नहीं वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि हम आपको बता भी ना पाएंगे, और वीडियो जब कई टुकड़ों में बनता है तो आपको भी मज़ा नहीं आता है। व्हाट वाज द अरेंजमेंट ऑफ द मार्कर्स इन द ओरिजिनल पैरेंटल स्ट्रेंस, तो इसका ऑप्शन सही होगा ए, ये वाला। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या, विच ऑफ दीज जेनेटिक मार्कर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी द हाईली पॉलीमार्फिक हैव मैनी डिफरेंट एलील्स, तो इसका जो ऑप्शन दोस्तों सही होगा वो होगा बी नंबर, माइक्रोसैटेलाइट। नेक्स्ट है मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रेटजी वाज यूज टू द यूज ऑफ टू प्लांट्स, तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए, नेक्स्ट है जीन ट्रांसफर इन द बैक्टीरिया बाय द ट्रांसफॉर्मेशन हैज द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, वो होगा बी, इट इन्वॉल्व्स ए प्लाज्मिड, प्लाज्मिड में क्या करते हैं हम हेर फेर करते हैं, ये क्या होता है एक्स्ट्रा मटेरियल्स होता है बैक्टीरिया का, जेनेटिक मटेरियल होता है, एनी प्रोसेस दैट द रिजल्ट इन द इंटीग्रेशन ऑफ द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ द जीन्स टूगेदर इन ए सिंगल सेल्स सिंगल सेल इज, तो इसका दोस्तों क्या होगा ऑप्शन ए, जीनेटिक रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है कॉमन लिम्फोमा इन द पीडियाट्रिक एज, तो जो पीडियाट्रिक एज में जो लिम्फोमा होता है यानी जो कैंसर होता है वो कौन सा होता है, तो दोस्तों वो होता है फॉलिकुलर, क्या होता है फॉलिकुलर लिम्फोमा बच्चों में जो होता है, ध्यान रखिएगा ये बच्चों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये बी लिम्फोसाइट की एबनॉर्मलिटी के कारण उत्पन्न होता है, बी लिम्फोसाइट की एबनॉर्मलिटी के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है मायो एपिथिलियल कार्सिनोमा इज इम्यून रिएक्टिव फॉर, तो इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें जो हमारा आंसर आएगा सी नंबर, साइटोकेरेटिन एस 100 एंड द कैलोपोनिन। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग एसोसिएटेड विथ बर्किट इज बर्किट्स लिम्फोमा, दोस्तों पढ़ने में कम आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है मैं देख रहा हूँ, विच आर द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द बर्किट्स लिम्फोमा, तो ये कह रहा है जो बर्किट्स के लसिका मरसा बुर्द से संबंध रखते हैं वो कौन सा होता है, तो ये होता है दोस्तों EBV वायरस है। नेक्स्ट है इसको बोलते हैं इपस्टेन बार वायरस,
ईपस्टेन बार वायरस के नाम से जानते हैं, इसका फुल फॉर्म है ईपस्टेन बार वायरस। नेक्स्ट है, लिंक द फॉलोइंग कैंसर ऑफ दियर करस्पॉन्डिंग वायरसेस। तो दोस्तों ये कुछ दिए हैं और हमें इनको क्या करना है, मिलाना है कि कौन किससे मैच करता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, यानी वन का बी ये सही है, और टू का ए, यानी टू का ए लेके चलते हैं। और नेक्स्ट है थ्री का ए, तो थ्री का ए में कौन सा आएगा, जे आएगा। फिर आएगा फोर का सी, तो हम लेते हैं फोर, फोर का ये आया सी, और आया फाइव का डी, तो ये हमने लिया फाइव का डी। ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द ट्रांसफर ऑफ द ऑन्कोजींस फ्रॉम वन सेल टू अनदर इज कॉल्ड। एक सेल से दूसरे सेल में जो ऑन्कोजींस जाते हैं उनको हम, उनके ट्रांसफर को क्या बोलते हैं, तो दोस्तों उनके ट्रांसफर को बोलते हैं क्या है, ट्रांसडक्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट है, ऑर्गेनिज्म विच द डैमेज मैंस प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस causing damage of significant economic importance are called। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या होगा, तो इसका ऑप्शन दोस्तों होगा ए, pests। नेक्स्ट है, What do the following insect have in the common sod webworm, bagworm, black cutworm and monarch? तो दोस्तों ये किससे संबंधित है, ए नंबर, दे आर बिलोंग इन द ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा से संबंधित हैं ये सारे। व्हाट इज द मेजर अल्फा अल्फा इंसेक्ट पेस्ट इंसेक्ट इन द रीजन? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है अल्फा अल्फा वीवी, इसको गरारी टोका हिंदी में बोलते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, गरारी टोका के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, कारपेंटर आंट्स बिलोंग टू द बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑर्डर्स? तो बढ़ई चींटी निम्न में से किस गण से संबंधित है, तो दोस्तों ये किससे हैं, हाइमनोप्टेरा से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों जल्दी जल्दी देखते हैं हम इसको। What do the following insect have the common my fly, the caddis fly and the mosquito or dobson fly? Dobson fly ये सब किससे संबंधित है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही होगा सी नंबर। दोस्तों जल्दी जल्दी करते हैं, आपका वीडियो 33 मिनट से ऊपर जा रहा है। Which of the following is in the function of the फंक्शन ऑफ एयर ब्लैडर? तो ये दोस्तों किससे संबंधित होता है, तो ये दोस्तों संबंधित होता है किससे, डी, ऑल ऑफ एबव से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द फिश इज होमोलोगस विथ द लंग ऑफ द फ्रॉग? ये तो ये दोस्तों किससे संबंधित होगा, ये संबंधित है बी, स्विम ब्लैडर से। नेक्स्ट है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द पिनवर्म ऑफ द मैन? तो जो पिनवर्म ऑफ मैन है वो किससे संबंधित है, तो दोस्तों वो संबंधित है ए, एंट्रोबियस वर्मिकुलेरिस से। नेक्स्ट है, विच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द टंग ऑफ द कॉकरोच? तो इसको किसको जानते हैं, हाइपोफाइरिंग्स को जानते हैं। स्कल ऑफ द फ्रॉग एंड रेबिट आर, तो ये कैसे होता है दोस्तों, डाइकैंडालिक होता है, कैसे होता है, डाइकैंडालिक होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज इमल्सिफर? तो दोस्तों इसमें कौन सा होता है इमल्सिफर, तो इमल्सिफर क्या होता है, जो दोस्तों इसमें कौन सा इमल्सिफर होगा, कैराजिनम होगा, क्या होगा, कैराजिनम होगा, ये समुद्र के शैवाल से प्राप्त किया जाता है। रिकरेंस ऑफ द फ्लूड इन द प्लांट ऑफ द नॉर्थ इंडिया इज ड्यू टू द एक्सेसिव, तो दोस्तों इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन डी, डिफॉरेस्टेशन ऑफ द कैचमेंट एरिया। नेक्स्ट है, जीनोम कंप्रेशंस हैव द सजेस्टेड दैट माउस डीएनए हैज द म्यूटेंट
अबाउट ट्वाइस एज द फास्ट एज ह्यूमन डीएनए, व्हाट इज द पॉसिबल द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस डिस्क्रेपेंसी डिस्क्रेपेंसी दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा डी। नेक्स्ट है, व्हाई वाज द जीनोम ऑफ द प्रेजेंट पी फ्लैसिफेरम डिफिकल्ट टू द सीक्वेंस? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी। द जीनोम कंटेन्स ए हाई जीनोम में क्या कहता है, हाई प्रोपोर्शंस ऑफ द एडनीन एंड द थाइमिन, ये सही होगा। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्यूडो जीन्स? तो दोस्तों विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब स्यूडो जीन्स कौन से हैं? तो बेस्ट डिस्क्राइब जो स्यूडो जीन्स हैं इसका आंसर होगा सी, सीक्वेंस डीएनए दैट आर वेरी सिमिलर टू द फंक्शनल जीन्स बट डू नॉट प्रोड्यूस फंक्शनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट है, द टीवी इंटू फाइव जीन्स नोन टू प्ले ए रोल ऑफ विच प्रोसेस? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कौन सा होगा, बी नंबर। नेक्स्ट है, हाउ मैनी पेयर्स क्रोमोसोम डू द चिंपैंजीज कैरी? तो दोस्तों इसमें क्या होते हैं, तो इसमें कितने होते हैं, एक एक्स्ट्रा लेके चले तो दोस्तों कितने आएंगे, मनुष्य में 23 होते हैं तो इसमें कितने होंगे, 23 के दूना कितना होगा, तो 24 जोड़े होंगे, कितने होंगे 24, ये गलत है। नेक्स्ट है, क्योंकि चिंपंजियों कपियों में 24 जोड़ होते हैं, मनुष्यों में 28 होते हैं, अर्थात इसमें 48 भी होंगे, ये हम कह सकते हैं 23 के कितने होंगे, 23 के होंगे 46 और सॉरी 23 के कितने होंगे, हम लोगों में 46 होते हैं और 24 के 48। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ ए द कलेक्शन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम ए मिक्सड कम्युनिटी इज द ऑर्गेनिम? इट इज द यूजली रिफर्स टू द स्टडी ऑफ द माइक्रोबियल कम्युनिटीज। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए, ये वाला। नेक्स्ट है, इन फीमेल्स वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन द इनएक्टिविटी बाय द, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी, कौन सा सही होगा, बी नंबर होगा, एपिजेनेटिक मार्कर्स। नेक्स्ट है, द ओनली द नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, द ओनली मेथाइलेटेड बेस इन द मैमल्स इन, तो दोस्तों इसमें कौन सा है, डी, कौन सा सही है, D5 मेथिल साइटोसिन। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस इज नॉट सिक्रीटेड फ्रॉम एंटीरियर हाइपोफाइसिस? तो इसका दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा, सी नंबर, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ द हाइपर कैल्सीमिया डज नॉट इंक्लूड, तो दोस्तों इसमें क्या होगा, इसका ऑप्शन सही होगा सी। नेक्स्ट है, द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम लोकेटेड बेस द ब्रेन इज द, तो ये दोस्तों क्या होगा, इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच टाइप ग्लैंड सिक्रीट्स हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम रेदर देन इनटू डक्ट्स लीडिंग टू द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी, तो इसका ऑप्शन सही होगा ए। नेक्स्ट है, इन ड्रोसोफिला द पैटर्न इज द एस्टैब्लिश्ड, तो इसका दोस्तों क्या सही होगा, तो इसका सही होगा ए, ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ द ओसाइट। नेक्स्ट है, मार्फोजन, तो दोस्तों नेक्स्ट आता है मार्फोजन क्या है, तो वो क्या है, ये पहला नंबर सही होगा। नेक्स्ट है, द ड्रोसोफिला डेवलपमेंट एंड द एम्ब्रियोनिक सेगमेंट, तो इसका दोस्तों क्या ऑप्शन सही होगा, डी नंबर। नेक्स्ट है,
100 नंबर, यानी इसमें 200 दिया है. विच ऑफ दीज वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ ए हीमोटिक फिनोटाइप. तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही क्या होगा, इसका सही होगा ऑप्शन सी. कौन सा सही होगा, सी. द फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट हैज लेग्स. नेक्स्ट है तो दोस्तों इतने ही हमारे पास क्वेश्चन थे. और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा. जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम है या कहीं लगता है कि ये गलत है तो दोस्तों कमेंट करके हमें भी बताइएगा. हमने पूरी कोशिश की है कि पूरा पेपर अच्छी तरह सॉल्व किया है मैंने, फिर भी अगर कोई कमी रहती है तो आपके जो सुझाव हैं वो हमें आमंत्रित हैं. और किस प्रकार से हम चैनल में वृद्धि करें और किस प्रकार के आपको मैटर चाहिए तो दोस्तों ये हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए. दोस्तों पुनः विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा उत्साह वर्धन होता है और हमें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए हम मोटिवेट होते हैं. आपके सहयोग की हम अपेक्षा करते हैं. दोस्तों चूँकि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है तो कमियाँ स्वाभाविक हैं कि हो सकता कमियाँ हों, तो हम सहृदय उन कमियों को स्वीकार करेंगे. आप हमें कमियाँ हमें बताइएगा, हम उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे. दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए.